पहले थी हमारा ये मिट्टी का धंधा जो है, तो हमारा बापू जी था ना वो कारीगर था, बड़ा कारीगर था। वो कच्छ में ऐसा कारीगर माटने करने वाला कोई नहीं था। पहले हम छोटा छोटा बनाते सीखने के लिए, छोटा छोटा बनाते थे, वो छोटे से बड़ा बनाया। बापू जी देखता था कैसा बनाते है, बोलता नहीं था कैसा बनाते है, ऐसा बना नहीं बोलते थे, ऐसा 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 मटका बनाते थे, वो बनाकर धूप में रख देते थे। फिर एक एक को चेक करता था बापू जी एक एक मटके को, और जो उसको पसंद आता था वो रखता, जो पसंद आ जो फेंक देते थे मटके को। बहुत कारीगर थे ना, अच्छे कारीगर थे ना वो। हमको ट्रेनिंग दी है हमारे वड़ील ने, ऐसी ट्रेनिंग दी है मिट्टी की। 12 साल का 10 साल का हुआ ने मिट्टी का काम चालू किया, अभी हमारी उम्र 62 वर्ष हुआ। इसके पीछे हम काम करते तो हमें अच्छा लगता है। ईमानदार था बहुत, खबर नहीं कि खाजा सब भर लिया, नहीं नहीं रोज सारा तो हम खाना पानी नहीं, खाना सब खा के, खाना खाएगा तो हम चले जाते, पानी खाली पिलाना। वो कुंभर की तरह किस लिए उतरा था, वो जो गली होता है ना, वो जो डांट चोर होता है ना उसको नहीं खाता, हरम हरम की कमाई वालों को नहीं खाता, वो जो हक कमाते हैं ना मेहनत वाला उसको खाता है। तो उसको ऐसे दिल में कि कुंभर का काम बहुत मेहनत वाला है, पसीना डालता है, पसीना हक की कमाई है इसकी, उसी गर्भ उतर दिया। वो खाना खाया, खाना खाकर उसको दुआ दी। Hey, Pat, go. 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 Go
इतना वो चापम भरा है वन से बना है तो बना के नहीं है हमें तो नहीं नहीं बेचारा बटू होना वो नहीं बना नहीं। और एक तो मिट्टी का तो परंपरा से बनाते आए हैं, फाइबर का तो ये 7-8 साल हुए हैं, ये अभी निकला है फाइबर तो। उसमें वो तप बहुत आता है, जब लकड़ी डालते हैं ना उससे पूरी चूल्हे बहुत गर्म रहती है, मिट्टी की बहुत ठंडी हो जाती है बाद में, ये ठंडी की सीजन है ना इतना ताप नहीं रहता है उसमें, और ठंडी की सीजन में ये फाइबर का अच्छा लगता है। लड़की दीदी है ना ये बोलती है पापा गैस चाहिए, गैस नहीं चाहिए, हमारा चूल्हा है ना जो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे की तो रसोई बनाओ, लकड़ी के चूल्हे की अंडी खाओ रोटी, यानी गैस की का इसमें घना फर्क होता है, मिट्टी के जो रोटी मिट्टी के चूल्हा होता है इसमें मिट्टी की तावड़ी होती है तई, इसमें लकड़ा बार कर तुम बनाओ गेहूँ की रोटी बनाओ, अने जो गैस होता है इसमें गेहूँ की रोटी घना फर्क होता है, वो जो मिट्टी की जो लकड़े की जो होगी ना रोटी उसमें बहुत टेस्ट होता है खाने में भी, गैस से जो बनाते हैं ना उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। चाय बनानी होती है ना बार बार, अभी तो मेरे ससुर ने काम शुरू नहीं किया है, अगर ये दोनों बाप बेटे काम पे बैठ जाएंगे ना 5-5 मिनट में चाय, 5-5 मिनट में मैं तंग आ जाती हूँ लकड़ी से, इसीलिए मैं बोला गैस, इसीलिए चाय की सिर्फ चाय की, और हमारे गैस की रसोई कोई नहीं खाता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता इसमें जितना होता है ना उतना गैस में नहीं होता, ये बहुत संस्था में वहाँ जाते हैं ना कहीं भी मीटिंग होती है तो 3-4 दिन वहाँ जाते हैं गैस की रसोई में, फिर आते हैं तो बोलते हैं अच्छी नहीं बनी खिचड़ी भी अच्छी नहीं बनी, चूल्हे जैसी खिचड़ी नहीं बनती, अच्छी बनी आपका भी खाना नहीं बनता।
પહેલા ના તો બની પહેલા નથી વિદ્યા છેલે પર હવે વાતે વિદ્યા છેલે પર તે મારી છે મારી વિદ્યા છે काम करे या सॉक्स पहन के भगू में यहाँ तो पानी में डालो पैर तो पानी में गीला हो जाएगा बहुत ठंडी लगती है बुखार जैसा होता है तो स्वेटर पहन के नहीं तो हम गोली खा के जाते हैं गोली कहाँ से मतलब यहाँ पे बताया था कि हाँ ये यहाँ पे जो पंड्या का के डॉक्टर है नाम तो क्या पता नहीं शायद उसकी पंड्या झार है वो आता है तो कब कुछ भी होता है तो बच्चे को हमको यहाँ तो ले आते हैं और भी पड़ता है कि मांडवी में बहुत सारे हॉस्पिटल है एक दो दफा खाओ तो अच्छे हो जाते हैं काम में लग जाते हम बैठते हैं तो फिर हमारा काम रह जाता है और ये मिट्टी का काम ऐसा है ऊपर रहना चाहिए कोई काम नहीं चाहिए ये अकेले के साथ नहीं संभाल सकते
और जब मेरा पूरा सपोर्ट होगा ना तभी उनका काम आगे होगा, वरना मैं नहीं करती तो उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले नहीं कर पाते। मिट्टी बनाना, मिट्टी पीसना, मिट्टी को सुखाना।